अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लोग चिकन पुलाव बनाने जा रहे हैं। उसके लिए यखनी बनाने के लिए 7 कप पानी लिया है, उसमें डालेंगे 3-4 अदरक का टुकड़ा, थोड़ा लहसुन की कलियां, 3-4 ग्रीन चिली, थोड़ा प्याज कटा हुआ, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून धनिया साबुत, आधा टी स्पून ज़ीरा, थोड़ा जायफल जावत्री, 1 तेज़पत्ता, 2-3 छोटी इलायची और थोड़ा नमक डाल के उसको बॉईल करके यखनी बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चिकन पुलाव बनाने जा रहे हैं, उसके लिए यखनी के लिए पानी मैंने रखा है, गर्म रखा है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज, डाल रही हूँ ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन का टुकड़ा जो रखा हुआ था वो मैंने डाला। अभी मेरे पास है ये जो है सौंफ है, धनिया है और ज़ीरा है, ये भी मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा जायफल जायफल टुकड़ा है, तेज़पत्ता है, 1 दालचीनी और 2-3 सफ़ेद इलायची और 1 टीस्पून इसके अंदर में सॉल्ट ऐड करके उसको मैं बॉईल करूँगी, बॉईल के लिए मैं रख दूँगी। आज हम लोग चिकन पुलाव बनाने जा रहे हैं। हमने जिसके लिए लिया है 1.25 किलो चिकन, थोड़ा आलू लिया है कटा हुआ, राइस 3 कप लिया है जिसको 1 घंटा पहले हमने भिगो के रखा था, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स साबुत गरम मसाला, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5-6 हरी मिर्ची है, शाही यानी शिया ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून सेफ्रोन यानी ज़ाफ़रान 1 चुटकी जिसको हमने कप में मिला लिया है, 1 कप दही है और 3 मीडियम प्याज काट कर रखी हुई है। इसके साथ हम रायता भी बना रहे हैं नाज़रीन, जिसमें 1 कप दही, पुदीना पत्ता, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक, इसको मिला के हम रायता बना लेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी मैं 1/2 कप ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म होने के बाद मेरे पास जो प्याज था 1/2 प्याली प्याज मैंने इसके अंदर डाल के मैं अभी इसका ब्राउन कर लूँगी। अभी प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अभी इसको निकाल के मैं प्याला में डाल देती हूँ। अभी मैंने प्याज फ्राई करके रख दिया है, अभी वही ऑयल में, सेम ऑयल में मैं अभी चिकन को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दी, डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी थोड़ा, और दूसरा चूल्हा के ऊपर मैंने अखनी का पानी थोड़ा है, इधर अखनी का पानी मैंने चढ़ा दिया, थोड़ा है चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, पानी पूरा सूख जाएगा तब मैं निकाल लूँगी। अभी ऑयल में मैं अभी आलू फ्राई कर लेती हूँ। अभी हमारा चिकन रेडी है, चिकन हो गया है, पक गया है, फ्राई हो गया है, अभी इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। आप थोड़ा स्लो कर देती प्लेट में मैं अभी निकालूँगी। अभी मैं इसके अंदर आलू के अंदर मैं प्याज डाल दूँगी, जो 1/2 प्याली प्याज था ना वो प्याली में प्याज डाल दूँगी। प्याज डाल के मैं प्याज को थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी लेकिन खाली सॉफ्ट करूँगी। अभी प्याज हमारा हो गया है, अभी इसके अंदर मैं अदरक लहसुन मिला रही हूँ। अदरक लहसुन भुनने के बाद मैंने जो मिक्स गरम मसाला था वो मैं डाल दी, उसके अंदर तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची छोटी इलायची और ग्रीन चिली है, सब मैंने डाल दी इसके अंदर। और इधर मेरे पास है शाही ज़ीरा और होल ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, वो भी डाल दूँगी मैं। डाल के मैं थोड़ा भून के इसके अंदर दही डाल दूँगी। अभी मैं इसके अंदर दही मैंने फेंट लिया है, अभी दही डाल दूँगी।
अभी हमारा अखनी का पानी रेडी है, मैं उसको अभी छान लेती हूँ। अभी मसाला सारा भून गया है, अभी इसके अंदर मैं चिकन शामिल करूँगी। इसको थोड़ा भून के मैं अखनी का पानी में इसके अंदर डाल दूँगी। अभी सारा भून गया है, अभी मेरा जो पानी है अखनी का पानी मैं डाल दूँ इसके अंदर। मेरे पास 7 कप मैंने डाला था, अभी मेरे पास 5 है, 2 कप और मैं एक्स्ट्रा डाल दूँगी। अभी पानी हमारा हो गया है, अभी इसके अंदर मैं राइस डाल रही हूँ। अभी मैं इसको ढक के मीडियम आंच पे रख दूंगी। बना रही हूँ रायता के लिए, मैं इस दही डाल दिया और पुदीना और सफ़ेद ज़ीरा, ब्लैक पेपर का पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया और थोड़ा 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अभी इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अभी भी थोड़ा बाकी है, थोड़ी देर के बाद मैं और 10 मिनट के बाद मैं इसका दम पे लगा दूँगी। अभी भी बन गया पकड़ा, अभी दोबारा मैं ढक के रख रही हूँ। बस हो गया है, अभी मैं इसको दम पे रख दूँगी। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा ग्रीन चिली मैंने डाल दिया और जो मेरे पास जो सैफ्रन था वो मैं डाल रही हूँ। अभी इसके मैं कोयला का दम दूंगी। इसके लिए मैं प्याज रख रही हूँ, प्याज का छिलका रख रही हूँ इसके अंदर। अभी इसके अंदर मैं घी डाल के हमारा ये रेडी है। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसके अंदर कोयला भी हटा रही हूँ। अभी मेरे पास जो प्याज था ब्राउन प्याज, मैं इसको ऊपर से डाल रही हूँ। अभी मैं आपको सर्व करके बता रही हूँ, डिश आउट करके बता रही हूँ। नाज़रीन देखिए, हमारा चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है, बेहतरीन लजीज। आप भी इस तरह बनाएं और गरम गरम सर्व करें। यह रेसिपी आपको अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली हमारी हर रेसिपी आपको मिलती रहे बर वक्त। अगले वीडियो के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।